अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान साइंस क्लब। आज हम बनाएंगे ओल्ड हार्ड ड्राइव के मैग्नेट्स को इस्तेमाल करते हुए एसी जनरेटर, यानी कि परमानेंट मैग्नेट अल्टरनेटर। परमानेंट मैग्नेट अल्टरनेटर बनाने के लिए हमें तकरीबन कुछ हार्ड ड्राइव के मैग्नेट्स चाहिए, जो हार्ड डिस्क होती हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव कंप्यूटर की, उनके मैग्नेट्स हमें जो है ये चाहिए होंगे। और ये तकरीबन इनकी तादाद है छः मैग्नेट्स हमें जो है बड़े साइज़ के जो चाहिए होंगे। इसके साथ हमें एक हार्ड बोर्ड की जो है प्लाईवुड की या हार्ड बोर्ड की एक डिस्क हमें जो है चाहिए होगी, राउंड डिस्क 12 सेंटीमीटर डाय का आपको डिस्क चाहिए होगी, जिसके ऊपर हम मैग्नेट को प्लेस करेंगे। इसके साथ हमें कॉपर कॉइल चाहिए। ये कॉपर कॉइल 26 गेज से लेकर 30 गेज तक हो सकती है, और इस कॉपर कॉइल को हम कॉइलिंग करनी होगी। साथ में हमें कोई वुड पीस, जैसे ये राउंड हमने एक होल किया हुआ है ये, या फिर कोई दूसरा कोई भी वुड पीस जो है हो सकता है, ये इसकी बेस के लिए चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ पर ये राउंड ऑलरेडी कटा हुआ जिसके बीच के अंदर सुराख किया हुआ है, ये हमें चाहिए होगा। और इसके साथ कुछ दूसरे टूल्स जिसको बना सकेंगे। और इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो ये है कि मैग्नेट्स को आपने इसमें से थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानना होगा कि ये हार्ड डिस्क के मैग्नेट्स की क्या खास बात है। अगर आप इसको बिल्कुल केयरफुली आप इसको अगर देखें तो हमें एक ही साइड जो है अपोजिट आम हार्ड ड्राइव के मैग्नेट्स के अंदर या दूसरे जो मैग्नेट्स होते हैं उनके एक ही साइड पर नॉर्थ या साउथ पोल होता है, लेकिन यहाँ पर हार्ड ड्राइव के मैग्नेट्स में इसका थोड़ा सा चेंज है। यानी इसकी एक साइड जो है नॉर्थ हो सकती है और दूसरी साइड जो है यहाँ पर साउथ है। तो इसको आप सिंपल एक्सपेरिमेंट से आप जो है समझ सकते हैं कि कौन सी साउथ है कौन सी नॉर्थ है, या इसके अपोजिट पोल को हम देख सकते हैं। तो आप एक छोटा सा मैग्नेट्स आपको चाहिए होगा। हार्ड ड्राइव के जो मैग्नेट्स हैं अगर आप देखें कोई भी मैग्नेट्स दूसरा मैग्नेट इसके नज़दीक लेकर आएंगे तो एक दूसरे फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा एक साइड, लेकिन इसकी बिल्कुल साइड वाली जो हिस्सा है इस पर लेके जाऊंगा तो ये इसको रिपल करेगा। यानी ये कह सकते हैं कि ये नॉर्थ है या साउथ है। तो अब या तो इनको हम ब्रेक करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे इन तमाम जो मैग्नेट्स को विदाउट ब्रेक जो है हम इसको बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इस मैग्नेट्स को जो है हम इसके बेस में से, इसके जो आयरन स्टील बेस है इसमें से हम उसको अलग कर लेंगे, और अलग करने के बाद वन बाय वन इसके ऊपर जो है डिस्क के ऊपर हम प्लेस कर देंगे। जी मैग्नेट्स को निकालने के बाद हमने तमाम 6 मैग्नेट्स को इसके ऊपर जो डिस्क हमने बनाई है डिस्क के ऊपर हमने अटैच कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ मैग्नेट्स आपको उल्टे और कुछ सीधे मैग्नेट्स एक डायरेक्शन में नज़र आ रहे होंगे। इसकी लगाने की एक रीज़न है। इसका रीज़न मेन ये है कि अगर हम सपोज़ करें कि इस पार्ट के ऊपर हम लेकर आते हैं और इसको हम लिख देते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल साउथ, एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैग्नेट का इस हिस्से को हम कह लेते हैं नॉर्थ। अब जब नॉर्थ को साउथ के नज़दीक लेकर आएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पर ये दूसरे को रिपल करेगा। मैं आप देख सकते हैं रिपल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, और इस तरह आपको मैग्नेट को इस तरह प्लेस करना है कि साउथ नॉर्थ इस तरह बनते जाएं। जैसे ये साउथ है, ये नॉर्थ को हमें करेंगे, ये अट्रैक करेगा, ये रिपल करेगा, ये अट्रैक्ट रिपल, यानी इस तरह। अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ हो जाए, ये साउथ नॉर्थ और नॉर्थ। तो इस तरह इनके मैग्नेट को आपने इस तरह प्लेस करेंगे कि इनके डिस्टेंस जो है एक इक्वल जो है एक बराबर हो। और इसके साथ देखें कि यहाँ पर एक ये जो मैग्नेट है ये मैग्नेट का थोड़ा साइज़ थिन है, तो हमने इसके ऊपर एक और मैग्नेट हमने इसको बैलेंस करने के लिए जो है लगा दिया है। तो इस तरह ये 6 मैग्नेट्स जो है बिल्कुल इक्वलेट हम इसके ऊपर लगा देंगे। और अब ये जो मैग्नेट्स हैं ये अगर सीधी सेम साइज़ हैं ये और सेम, और ये उसके अपोजिट हैं, क्योंकि इनके जो हमें पोलरिटी अल्टरनेट चाहिए साउथ नॉर्थ, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। अब ये चीज़ करने के बाद ये मैग्नेट्स
ऐड करने के बाद नेक्स्ट जो प्लान आता है, नेक्स्ट जो काम है वो है कॉयल डिज़ाइन करने का। तो इसके लिए हमें कॉयल बनाने के लिए हमें पीवीसी पाइप का एक पीस लेना होगा, ये पीवीसी पाइप का पीस, और इसको इसको 20 सेंटर से हम कट कर लेंगे, और कट करने से इससे प्रेस करने पे इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। और ये याद रखिएगा, ये मैग्नेट के जो साइज़ हैं इसके इक्वल हो, ताकि इसके इसके हिसाब से हम इसकी कॉयल करेंगे। तो अब हम कॉयल करते हैं। हमें जो कॉयल हम यहाँ पर यूज़ करें ये 26 गेज की है, और 26 गेज की कॉयल के लिए जो है आप इसकी कॉयलिंग हम करने जाएंगे, तो सबसे पहले आप तकरीबन 2 से 3 इंच का जो इसका कॉयल के एक साइड पर छोड़कर इस कॉयल को इसके ऊपर आप टर्न करने दे दीजिए, और ये तकरीबन कोशिश कीजिए मैक्सिमम टर्न दे सकें कम एरिया में। तो ये हम यहाँ पर टर्न तकरीबन कोशिश करेंगे 100 टर्न्स देंगे यहाँ पर। ये तकरीबन 80 टर्न्स जो है हम ये दे चुके हैं, और अगर मज़ीद इसमें यहाँ गुंजाइश है तो हम और कोशिश करते हैं 100 तक कर सकें। तो हमें 90 टर्न्स जो है इसके लिए इनफ होंगी, इसके मज़ीद जो है इसमें गुंजाइश नहीं है। अगर आप इससे पत्ता थिन वायर यूज़ करें तो तब ये इसकी टर्न्स जो है बढ़ाई जा सकती हैं। याद रखिएगा, अगर इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी तो इसका जो करंट है वो इंक्रीज होगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम इंक्रीज करेंगे तो इसमें वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़्यादा आएगा, यानी वोल्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। एक कॉइल जो है बन चुकी है, और इस तरह की हमें 12 कॉइल चाहिए, क्योंकि हमारे पास याद रखिएगा जितने पोल्स होते हैं उतने ही कॉइल्स हों तो बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। अगर यहाँ पर तकरीबन टोटल 6 मैग्नेट्स हैं और इसके 12 पोल्स बन रहे हैं, तो 12 ही हमें कॉइल जो है दरकार होंगी। तो 12 अगर आप नहीं कर सकते हैं तो 12 से आप इसको हाफ कर दें, 6 कर दें, 6 से भी जो है ये काम करेगा, 6, 4, तो इस तरह आप इसको कॉइल को कर सकते हैं। तो इस तरह की हम 12 कॉइल जो है वो तैयार करेंगे और इसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा इसके कनेक्शन कैसे करने होंगे। जी हम तकरीबन तमाम जो है 12 के 12 जो है कॉइल तैयार कर चुके हैं। अब ये कॉइल जो है इसके ऊपर हम प्लेस करना होगा, और दो बातों का ख्याल रखना होगा कि तमाम की तमाम कॉइल जो है यहाँ पर इसके अंदर आ जाए। ये थोड़ी सी राउंड है और इसको हम इन कॉइल को थोड़ी बिल्कुल राउंड है, तो हम इसको थोड़ा सा प्रेस करके इनको हम थोड़ा सा कह लें कि रेक्टेंगल शेप देंगे। और दूसरी बात का ख्याल ये रखना है कि कॉइल की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में हो, यानी फॉर एग्जांपल ये कॉइल जो है इसका जो टर्न्स हैं ये क्लॉकवाइज हैं, और दूसरी कॉइल के हैं वो ऐसा ना हो कि आप इसको अपोजिट नहीं रखेंगे, ये भी बल्कि क्या होगा ये भी क्लॉकवाइज होंगी। ये तमाम की तमाम जो कॉइल हैं वो एक ही डायरेक्शन में इनको रखना होगा क्लॉकवाइज। तो इसका जो डायग्राम है, स्ट्रक्चर डायग्राम जो है कॉइल का, ये आप साइंस क्लब की वेबसाइट के ऊपर इस आर्टिकल के अंदर जो है आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर डायग्राम, कि इसको कॉइल को आपने किस तरह प्लेस करना है। याद रखिएगा, अगर ये अपोजिट लग गई तब भी जो है ये वोल्टेज जो है वो सही नहीं आएंगे, और ये जो कॉइल्स हैं इनके कनेक्शन जो है वो भी आप जो है डायग्राम में देख सकते हैं। तो इन तमाम कॉइल को हमने इसके ऊपर प्लेस करना है, और प्लेस करने के बाद इसको जो है हम इसके साथ फिक्स कर देंगे। देख सकते हैं कि कॉइल जो है ये तैयार हो चुकी है। हम इस मैग्नेटिक राउटर जो है, इस डिस्क मैग्नेटिक की जो डिस्क है, इसको इसके ऊपर लगाएंगे ताकि ये इसके ऊपर रोटेट कर सके। तो इसके लिए हमें जो है एक डीसी मोटर की जो है, टॉय कार की जो डीसी मोटर है, ये एज इसके हम एक्सल इस्तेमाल करेंगे, और इसको हम टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए जो है इसको वोल्ट भी दे के इस डिस्क को घुमाएंगे ताकि इससे हम टेस्ट भी कर सकें। तो इस डीसी मोटर को बिल्कुल हम सेंटर में इस तरह फिक्स कर देंगे, और फिक्स करने के बाद अब यहाँ पर सेंटर में एक गियर को एज़ हमने स्पोर्टिंग के तौर पर स्पोर्टिंग सेंट्रल एक्सल के ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल किया है, तो इसके साथ हम इसको फिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि राउटर को हम मोटर की मदद से हम जो है कनेक्ट कर चुके हैं, और ये बहुत अच्छा जो है इस पर काम भी कर रहा है, चल रहा है। इसके साथ मोटर को हमने पावर अप करने के लिए दो वायर्स लगा दिए हैं ताकि हम इसको जो है टेस्टिंग कर सकें इसकी।
अदरवाइज स्टार्टर को हम विंड टर्बाइन की जो है साथ लगाएंगे। अब क्या है कि नेक्स्ट जो कॉयल्स हैं, कॉयल्स के जो टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल्स को हमने इसके ऊपर जो कोटिंग है उसको हमने उतारना होगा। कोटिंग को या तो आप इसको सैंड पेपर से इसको कर सकें या फिर कर लें, या आप फायर की मदद से जो है इसको कर सकते हैं। तो मेरे पास स्प्रिट लैम्प मौजूद है, तो मैं इसको स्प्रिट लैम्प की मदद से हम इसको जला देंगे। जी अब हम जो है इसको टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि एक कॉइल जो है कितने वोल्ट प्रोड्यूस करेगी। तो मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि 1.2 समथिंग वोल्ट जो है एक कॉइल हमें दे रही है, और इस तरह की हमें 12 कॉइल को जब हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास 12 वोल्ट जो है आ जाएंगे, 1.3 12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज हमारे पास आ जाएंगे। इसके साथ में आप इसकी जो है RPM भी देखते हैं कि कितनी RPM के ऊपर ये चेक हो रहा है। तो आइए हम इसके RPM चेक करते हैं। जी अब हम इसके RPM मीटर से जो है इसके RPM चेक करेंगे कि कितने आ रहे हैं। तो हम इसके ऊपर एक स्टिकर लगा देते हैं और इसको जो है दोबारा से पावर अप कर देते हैं मोटर को। बस दोनों वैल्यूज जो है यहाँ पर शो होंगी। अब देखते हैं कि तकरीबन 790-600 के ऊपर 7 वोल्ट हैं, 0.7 वोल्ट, और मैक्सिमम की हम देखेंगे कि जब मैक्सिमम इसकी स्पीड हो जाएगी तो इस टाइम कितने RPM हो जाएंगे। तो 1 वोल्ट जो है 1000 RPM पर ये दे रहे हैं। आप देखते हैं 1000 RPM, उसके बाद 1200 RPM के ऊपर 1.2 वोल्ट जो है ये दे रहा है। इन इस तरह की अगर 12 कॉइल्स हैं और 12 कॉइल्स तो इतना RPM अगर मिलेगा तो ये तकरीबन 15 वोल्ट से अबव वोल्ट चले जाएंगे। इस वक्त 1300 जो है RPM है, 1355, और उस पर वोल्टेज जो मीटर शो कर रहा है वो 1.3 शो कर रहा है। सो हमें 1.3 वोल्टेज के लिए तकरीबन हमें 1300 के करीब जो है RPM, 1300 से ज़्यादा RPM जो हमें चाहिए होंगी। तो चलिए आइए हम इस तमाम कॉइल को आपस में कनेक्ट करते हैं और इसके बाद जो है इसको फाइनल टेस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा एसी जनरेटर जो है वो तैयार हो चुका है और अब हम इसको टेस्ट करेंगे। जी आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली जो इसकी रीडिंग है वो बढ़ती जा रही है। इन LEDs को हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली, तो ये बेहतरीन काम कर रही है बिल्कुल। 6 वॉट और 3 वॉट का बल्ब है, इसको हम जो इसके साथ चेक करके देखते हैं। बल्ब की कनेक्शंस करूँगा तो इसकी जो टर्बाइन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। एंड नेक्स्ट हमारा लेवल है कि हम इसके साथ ब्लेड्स वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन के जो है ब्लेड ऐड कर दें। तो हमारे पास पहले ही हमारे स्टूडेंट्स कुछ ब्लेड डिज़ाइन कर चुके हैं, आप इनके साथ हमें ऐड करना होगा। और जैसे इसके ऊपर रख देंगे, इसके साथ बोल्ट की मदद से हम इस डिस्क के ऊपर रख देंगे और ये एयर से जो है ये बिल्कुल काम करेगा। आई होप कि आपको आज का प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। इस प्रोजेक्ट की डायग्राम्स और दूसरे सर्किट्स के लिए जो है हमारी वेबसाइट साइंस क्लब की वेबसाइट डू साइंस पर विज़िट कीजिए, और इसके हवाले से किसी भी किस्म की आपको मालूमात या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे info@pakasi.org भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी ऑनलाइन कम्यूनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू।